personality TV presents. मेरा नाम अर्चना गुप्ता है. मैं वार्ड नंबर 96 की निगम पार्षद हूँ. हमारा न्यू रंजीत नगर वार्ड कहलाता है. इसमें हमारा साउथ पटेल नगर, शादीपुर, खामपुर गांव, रंजीत नगर, चार मंजिलों का एरिया, डीडीए के कुछ फ्लैट हैं, एक्स वाई जेड एक कॉलोनी है पूरी, जहाँ पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है. और वेस्ट पटेल नगर में हमारे 8 बूथ हैं. जैसे कि आपने क्षेत्र बताया है वार्ड के हिसाब से, तो उन वार्ड के अंदर आपने अब तक 1.5 साल के अंदर जो है आपने क्या मतलब अपने कार्य किए? 1.5 साल में मैंने पूरे क्षेत्र में कई बार दौरे किए हैं, और जहाँ छोटी बड़ी समस्याएं जो मैंने देखी हैं वहाँ पर, जो भी हमारा लिमिटेड फंड हमें मिलता है एमसीडी का, क्योंकि एमसीडी का फंड दिल्ली सरकार की तरफ से आना होता है, जो बड़ा वो काट छांट के देते हैं. अभी तक इस साल की उन्होंने पहली किस्त का ही पूरा पैसा नहीं दिया है, जबकि 8 महीने हो चुके हैं यहाँ पर. दूसरी किस्त तो आई नहीं है, पहली किस्त का भी पूरा पैसा नहीं आया है. उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद हमारी ये कोशिश रहती है, हम पूरे हर जहाँ जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ कई सालों से काम नहीं हुआ था, हालांकि पिछले हमारे निगम पार्षद भी बीजेपी के थे और उन्होंने काफ़ी काम करवाया था एरिया में, पर कुछ पॉलिटिकल होता है, कहीं काम करवाया उन्होंने और उसके कुछ ही टाइम बाद वहाँ पाइपलाइन डालने के लिए एमएलए गलियाँ खुदवा देते हैं, काट उसको वहीं से काट गए, कभी सीवी डलवा रहे हैं, कभी डलवा रहे हैं, काट के छोड़ दिया, नहीं डलवाया. वो जो उन्होंने इतना डिस्टरबेंस क्रिएट किया हुआ था, हम कोशिश कर रहे हैं उनको भी कवर अप करें, क्योंकि रहने वाले लोग हमारे ही क्षेत्र के होते हैं. वो चाहे एमएलए का काम हो चाहे काउंसलर का काम हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता. उनको चाहिए होता है काम हमारा वो पूरा ठीक ठाक रहे, हमारी गलियाँ ठीक रहें. तो हम कोशिश कर रहे हैं जो कमियाँ वहाँ उनकी एमएलए की भी रह गई हैं, हम उनको भी हम ही सुधार के दें. हमने अपना हमारी भगवान की दया से इतनी अच्छी हमने बना रखी है कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो हमारी सुनते भी हैं और हमें कोऑपरेटिव करते हैं, तो हम उनसे कह के अपना काम करा लेते हैं. एमएलए का तो जैसा रवैया है वैसा ही है. कितने टोटल पार्क हैं आपके वार्ड के अंदर? टोटल 62 पार्क हैं हमारे एरिया में. तो उस 62 पार्क के अंदर अब तक आपने क्या कोई नए कार्य किए हैं तो कितने पार्क में अब तक हुआ है? कम से कम 14-15 पार्क ऐसे हैं जिनको हमने दोबारा से उनको चालू करवाया है. पौधे लगवाना, घास डलवाना, लगवाना, मिट्टी डलवाना, और बोरिंग की जैसे दिक्कत थी, कई जगह पानी नहीं आ रहा था, प्रॉपर से पार्क चल नहीं पा रहे थे. 2 पार्कों में बोरिंग दोबारा करवाई है. एक में तो अभी इनफेक्ट अभी चली रही है इस समय बोरिंग. 2 के लिए रिक्विजिशन दी हुई है. पार्कों में मिट्टी विट्टी की मालियों की संख्या बहुत कम है. एमसीडी में प्रोसेस चल रहा है, नए माली रिक्रूट होने वाले हैं. गया हुआ है उनका सारा हाउस में पास हो गया, तो नए माली जैसे ही आएंगे दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाएगा. कुछ कमियां हैं, दिक्कतें हैं, एमसीडी का पास फंड कम है इसलिए कुछ दिक्कतें हैं, कोशिश कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगा. फंड्स की कमी की वजह से काम में दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके लिए आपने क्या कोई प्रावधान किया है अपने फंड के बारे में? हम लोग भी लगे होते हैं, हम अपने नेता सदन को भी बोलते हैं, अपने मेयर को और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, हम सबको बोलते हैं, वो आगे जाके दिल्ली सरकार से बात करते हैं. हमारे जो सीनियर प्रदेश स्तर के नेता हैं वो भी जाके दिल्ली सरकार से बात करते हैं. कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें बोलते हैं, वो आगे बोलते हैं, कोशिश जारी है, लगातार जारी है हम लोगों की कोशिश. आपके वार्ड के अंदर जो है एमसीडी स्कूल कितने हैं? वार्ड में 5 स्कूल हैं एमसीडी. उस स्कूल के अंदर आपने 1.5 साल के अंदर आपने क्या कार्य किए हैं? हम लगातार स्कूलों में टीचर से टच में रहते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, स्कूलों की विजिट करते हैं. हम लगातार उनसे पूछते रहते हैं उनकी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो. एक हमारा अभी नया रंजीत नगर, न्यू रंजीत नगर में एक नया स्कूल की बिल्डिंग बना के हमने तैयार करवाई थी, उसका भी उद्घाटन भी हुआ था. उसकी भी कोई समस्या हो रहते हैं, पानी की समस्या थी वो सॉल्व करवाई. बेंचों के लिए हम कह रहे हैं कि बेंच वगैरह हम दोबारा कुछ और जरूरत हो, तो हम लगातार टीचर से प्रिंसिपल से टच में रहते हैं ताकि कोई समस्या हो, परेशानी हो तो हमने हल कर सके. जैसे कि आजकल भ्रष्टाचार चल रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के मतलब आए दिन निकल में आ रहे हैं, तो अगर हर जगह हर स्कूल के अंदर अगर इस चीज़ का जगह केयर किया जाए बच्चों के प्रति, तो आपके प्रति मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सीसीटीवी का और गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड के प्रोविजन के लिए लगातार हमारे वहाँ पर सदन में बात होती है, पर वही बात आ जाती है कि फंड की कमी की वजह से वो सीसीटीवी लगाने देते हैं कि सीसीटीवी लगाने से ही क्या हो जाएगा. बार बार वही पॉलिटिक्स बाजी हो रही है. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में पूरी उनकी सिक्योरिटी के लिए और एजुकेशन के लिए जो भी बेस्ट हम कर सकते हैं हम उनको करके दें, पर वो सीसीटीवी पे भी अभी वही बजट कब रिलीज होगा और कब उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड का प्रोविजन होगा पता नहीं, पर कोशिशें हमारी लगातार निरंतर जारी है. चैन स्नैचिंग का जो चल रहा है मामला, आए दिन जो है गुंडागर्दी हो रहा है, तो इसके लिए आपने जो है पुलिस थाने के सहयोग से आपने कुछ जनता के प्रति
सकती है, कुछ आपने किए जो मतलब स्नेचिंग ना हो? हम एसीपी से और एसएचओ से, हमारे उसमें एरिया में दो थाने लगते हैं, एक पटेल नगर थाने में हमारा आता है और रंजीत नगर थाने में आता है। हम लगातार उनसे बोलते रहते, बात करते रहते हैं। अभी भी इनफैक्ट मैं एसीपी से भी मिलके आई थी अभी 4-5 दिन पहले, हम लोग डायरेक्ट मिलके भी आए थे उनसे और उनको बताया भी था कि हमारे एरिया में इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप इनके लिए अलग से पुलिस का अरेंज करके दो हमें और अलग से इनका वो करते दो। लगे रहते हैं हर चीज़ के लिए बोलने का, लगातार बार बार राउंड करते रहते हैं, पुलिस से भी मिलते हैं, आम पब्लिक से भी मिलते हैं, डेली राउंड करना और कहीं ना कहीं अपना ऑफिस एक जनता दरबार। हमारे जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने हमें कहा था कि हफ्ते में 2 दिन आप जनता दरबार लगाएंगे, 2 घंटे आप पब्लिक प्लेस में आम जनता के बीच में बैठेंगे बजाय अपने ऑफिस में बैठने के, तो वो भी हम लोगों का होता है, पब्लिक के टच में है, सुन रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं। आजकल महंगाई जो है आसमान को छू रही है, तो अब आप किसी से छुपा नहीं है ये प्याज का दाम को लेकर का काफी जो है। सिर्फ प्याज की क्यों, दाल सब्जियां सारी महंगी हैं, कौन सी सस्ती चीज क्या है, एक प्याज को ही क्यों बोलते हैं हम बार बार, सस्ता क्या बचा है अब बताओ। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी सत्ता आती है, भाजपा आती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जब इतने करोड़ों अरबों रुपए के घुटने, आप आर्थिक स्थिति ठीक होगी और अपने आप ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक उसका बिजली के रेट इतने जो बढ़ जाते हैं, जब आए दिन वो अपने रेट बढ़ा देते हैं, डीजल के रेट बढ़ा देते हैं, पेट्रोल के, पहले होता था साल में एक बार जब बजट आता था ना तब इन चीजों के रेट बढ़ते थे, अब कुछ नहीं बचा हुआ, जब मर्जी उनकी आती है वो बिना किसी प्रायर उसके नोटिस के सीधा आ ही जाता है कि 2.5 रुपया बढ़ गया, 2.40 रुपए बढ़ गया, 1.5 रुपया बढ़ गया, जब मर्जी वो पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ा देते हैं। डीजल का रेट जब भी बढ़ेगा आर्थिक व्यवस्था पे अपने आप, ट्रक सारे उन्हीं से चल रहे हैं, सारा ट्रांसपोर्टेशन उसी पर डिपेंडेंट है, तो हर जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सारी चीजें अल्टीमेटली अपने आप महंगी होंगी होंगी। आप आम जनता के लिए संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही है कि चुनाव आने वाले हैं, इन चुनावों में सभी लोगों से, जिन जिन के अपने वोट बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं, अपने जो भी 18 साल से ऊपर हैं, सबको अपने वोट बनवाने चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप घर बैठ के व्यवस्था को दोष दें कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, इससे बेहतर है आप एक अच्छी सरकार लाएं, समझदार लोग आए आपके बीच में, राजनीतिक जो भी हमारी पार्टी है, हमारी बीजेपी के लिए हम जरूर कहना चाहेंगे, आप किसी और को एक बार बार आ रहा है कांग्रेस हटाओ और भाजपा लाओ, अच्छी सरकार आएगी तो आपकी समस्याएं अपने आप खुद ब खुद सारी सुलझ जाएंगी। मैंने जो डीआईडी टीवी को इतना टाइम दिया इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।